टेम्पू वाले हम लोग को मना करते हैं कि चूर के सवारी बैठा के ना जाओ, हम लोग रोजगारी नहीं तो हम लोग क्या कमाएंगे। डीएम साहब जब आदेश दिए हैं कि तुम लोग 60 किलोमीटर के एरिया में कहीं भी चल सकते हो, तो इन लोगों को रोकने की क्या मर्जी है बताइए? क्यों रोके हैं हमारी गाड़ी? सर आप पुलिस लोग बैठते तो भाड़ा अपना नहीं देते हैं सर, जहाँ बैठते थे एक दिन आप पुलिस वाले को बैठाए तो उसका सर लोड़ी ले गए, भाड़ा मांगने लगे, तो कह रहे कि अभी नए हो क्या, पहचान नहीं रहे हो, भाड़ा मांग रहे हो हमसे, इतना गुंडा कर दिया सर। पैसा नहीं देते हैं पुलिस वाले, टोटो बैठते हैं एक रुपया नहीं देते हैं, अब बोलने पे अपना वर्दी का रोब दिखाते हैं। गरीब आदमी है ना, रोजगार है, हम लोग क्या करेंगे बताइए? वो कागज 50,000 में गाड़ी दे दे रहे हैं, बाकी स्टेशन नहीं दे रहे हैं, तो बताइए हम लोग क्या करें सर जी? गाड़ी के पेपर नहीं दे रहे हैं, हम लोग समूह का पैसा निकाल निकाल के गाड़ी खरीदे हैं। ये बोल रहे हैं कि ऑटो टोटो जो के नहीं चले चाहिए, आप लोग जो के एरिया बांट लीजिए और उसके बाद में लोग करेंगे, हाईवे पर मत चलिए, अगर सवारी बोल रही है कि नहीं जाएंगे तो आपको भाड़ा नहीं देंगे, और उसके बाद कह रहे हैं कि मुख्यालय पर नहीं जाएंगे, अगर मुख्यालय पर नहीं तो सवारी हम लोग को भाड़ा नहीं देगा तो हम लोग क्या चलाएंगे गरीब आदमी? एक्चुअली जो है पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक मीटिंग लिया गया था जिसमें ये कहा गया था कि जो ई रिक्शा हैं बिना नंबर के बहुत सारे संचालित हो रहे हैं, तो सबसे पहले उनको बुला करके समस्त जो है ई रिक्शा जो बिना पंजीयन वाले हैं उनको उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, और प्लस जो ई रिक्शा एक ही जगह से सारे इकट्ठे होते हैं उनका रूट निर्धारित कर दिया जाए, क्योंकि यातायात जो है उससे प्रभावित हो रहा है, पीक टाइम पे बहुत जाम लग जाता है, इसी के नाते यहाँ पे हम लोग बहुत सारे ई रिक्शा लाए हैं, उसका रूट निर्धारित पहले से किया गया है जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा, और उसमें जो है उसी के हिसाब से हम लोग इनको नंबरिंग करके और कलर कोड दे करके यहाँ से फिर छोड़ रहे हैं कि उस रूट पे वो चलेंगे। वो जिनका पंजीयन नंबर नहीं है उनके लिए टाइम निर्धारित है, जब वो खरीदते हैं उसके बाद ई रिक्शा एक महीने का जो समय है उसके अंदर उनको पंजीयन मिल जाएगा, तो उनके पास सेल इनवॉइस होगा, वो दिखाएंगे कि कब उन्होंने परचेज किया है, अगर उस समय सीमा के अंदर हैं तो उनको छूट है कि वो पंजीयन चिन्ह प्राप्त कर लें। गोरावल रोड हरा रंग एक नंबर फर्स्ट एक नंबर गोरावल रोड सहागंज रोड जिसको बोला जाता है, ठीक है। दूसरा मधुपुर रोड पीला रंग दो नंबर, क्या अपने भाई बंधुओं को भी बता दीजिएगा, रिकॉर्ड भी कर रहे हैं आप लोग। कुरमौरा तीन नंबर ब्लू कलर नीला नीला कलर डार्क नीला कलर है, देख लीजिएगा आप लोग जो है वही कलर। शांत रहो यार, पन्नूगंज रोड चार नंबर लाल रंग रेड कलर, ठीक है। ये चार जो है रूट है, चार कलर है, ठीक है। बाकी इसमें अभी करवाया जा रहा है, कार्रवाई आगे होगी फिर, ठीक है।